इस समय हम टूडला विधानसभा पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है। जिस तरीके से लगातार आगरा की 9 विधानसभाओं पर हमने आपको सारी चुनावी चर्चा थी उससे अवगत कराया, आज टूडला की जनता के पास हैं। यहाँ काफ़ी तादाद में युवा हैं और युवाओं से जानेंगे क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर इस बार जो है वोट करने वाले हैं। चलिए इनसे जानते हैं। भैया नाम बता दीजिए। मेरा नाम राव अभिषेक सिंह जी। क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर इस बार तुम वोट करने वाले? सबसे बड़ा मुद्दा, हम जैसे जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी। जी बिल्कुल, बेरोजगारी हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आने वाले समय में जब नौकरियां नहीं रहेंगी, प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर में अपर कास्ट के लोगों को एंट्री कर ली जाती है, लेकिन जो निचला समाज है उन लोगों को पहले से ही कास्ट वाइज पूछ के उनको बाहर कर दिया जाता है। तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भविष्य में फिर हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। जी जी जी, ये बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में। तो इस बार कैसा विधायक होना चाहिए इसको आप सुनना चाहते हैं? इस बार ऐसा विधायक होना चाहिए जो सामाजिक मुद्दे पर भी खड़ा रह सके, जैसे बेरोजगारी भी हो और क्या कहते हैं महंगाई भी हो, शिक्षा भी हो, और लोगों के रहन सहन के लिए हर चीज़ को, मतलब जो एक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो हर चीज़ में निपुण हो। जी जी जी, वैसा हमें विधायक चाहिए। 20 फरवरी को यहाँ मतदान होना है, वोट डालने तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। तो महंगाई और जो है बेरोजगारी के मुद्दे के अलावा ऐसा कौन सा मुद्दा रहेगा कि आपके जो लोकल के प्रत्याशी हैं, ठीक है, राकेश बाबू भी खड़े हुए हैं बसपा से, वो सॉरी सपा से, सपा से, और जो है अमर सिंह खड़े हुए हैं बसपा से, प्रेमपाल धनकर जो पहले जीते हुए थे, ठीक है, तो इसके अलावा कौन सा ऐसा प्रत्याशी फिट बैठने वाला है आपके क्षेत्र में जिसको आप जो है इस बार चुनने वाले? ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि कौन सा वो है, लेकिन हमने जो मन में आया है हम वही काम उसी को वोट देंगे। मन में आया उसी को वोट देंगे? हाँ। अच्छा, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, अभी बताओगे नहीं? बिल्कुल नहीं। चलिए इनसे भी जानेंगे। हाँ जी, क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर वोट देंगे? अरे आप, अरे बता दो, आप भी बता दो। आ जाओ जी। सबसे पहले मैं आपका परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम योगेंद्र पाल सिंह है और टूडला विधानसभा में एक गांव है नगला झम्मन जहां का मैं निवासी हूं जी। और इस विधानसभा में 20 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं। जैसा कि आपको मैंने आपने अवगत कराया कि 20 तारीख को वोट है, यहां के प्रत्याशियों का नाम आपने जैसा कि दिया कि हर एक पार्टी का प्रत्याशी, सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी चीज़ हमारी ये होती है कि हम यहाँ के लोकल प्रत्याशी, जो यहाँ का लोकल है, जो यहाँ की विधानसभाओं को समझता है, कौन है लोकल, यहाँ के लोकल प्रत्याशी पहले अमर सिंह है जी। अमर सिंह लोकल, जो कि अमर सिंह यहाँ के नारकी एक ब्लॉक के रहने वाले हैं। यहाँ के दूसरे प्रत्याशी प्रेमपाल धनगर हैं जो कि जलेसर के रहने वाले हैं, जो हमारी विधानसभा से नहीं आते हैं जी। तीसरे प्रत्याशी सपा से हैं जो राकेश बाबू हैं, जो कि फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और सही मायने में जो लोकल प्रत्याशी विधानसभा का होता है उसी को विधानसभा की प्रॉपर जानकारी होती है, क्या कमजोरियां हैं, क्या कमियां हैं, कैसे कमियां हैं जी। और उसके बाद जो कि अभी अभिषेक राव ने बताया जैसा कि ये चुनाव जो है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा नौजवानों के लिए, और दूसरा मुद्दा जो रहेगा यहाँ का महंगाई जी। क्योंकि इस टूडला विधानसभा में इतना कोई काम नहीं है, इतना कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई फैक्ट्रियाज नहीं है जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। देखिए कांच का यहाँ पे बहुत बड़ा उद्योग है, आप जैसा कि जानते हैं कि फिरोजाबाद जिले का एक विधानसभा है टूडला, जहाँ कांच उद्योग का बहुत बड़ा व्यापार है, और उस व्यापार का भी इतना बड़ा प्रसाव नहीं है कि वो टूडला के लोगों को वहाँ जाके काम करना पड़ता है। तो मेरा जो मानना है कि इस बार जो चुनाव होना चाहिए और जो भी वोटिंग होनी चाहिए वो यहाँ के लोकल प्रत्याशी के प्रति, और यहाँ के लोकल प्रत्याशी को देखते हुए यहाँ पे जो यहाँ के विकास को देखे और यहाँ की जनता के लिए शिक्षाओं में जो काम कर दे, यहाँ के लोगों के लिए जो काम कर सके, मैं ऐसे ही प्रत्याशी को चुनने की सोचूंगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले बसपा ने 2 बार राकेश बाबू को विधायक बनाया, 2007 में और 2012। तो जब क्या मुद्दे रहे थे और आज आप कह रहे हैं कि लोकल प्रत्याशी नहीं है वो, और जबकि यहाँ की जनता उनको 2 बार जितवा चुकी है? देखिए 2 बार जिताने का बहुत बड़ा वर्चस्व था, क्योंकि वो जिला फिरोजाबाद से आते हैं जी, इसलिए उनको जिताया भी गया, पर वो उन चीज़ों पे खड़े नहीं उतर सके, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी जी। इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी क्योंकि यहाँ के जो लोग, सपा लहर नहीं, देखिए सपा लहर बोलूँ या भाजपा लहर बोलूँ या बसपा लहर, ये मतदान जो है मतदाता के ऊपर है, मतदाता जो अपना समझेगा, जिसको देखेगा कि जो मेरा विकास कर सकता है, मेरे क्षेत्र का विकास कर सकता है, उसको मत करेगा जी जी, ऐसा नहीं है। और मैं अमर सिंह के लिए ये बोलूँगा कि वो एक रिटायर्ड ADM है, उनका प्रशासनिक में पूरा उनको जानकारी है कि प्रशासनिक कैसे चलता है, और अच्छी ही, मुझे जहाँ तक मैं अपना मत बोलता हूँ कि वो जहाँ तक है कि एक अच्छा विधायक बन के देंगे। योगी जी, आपको बताऊँ कि आपके जो टूडला विधानसभा पर जाटा समाज का 65,000 वोट है जी जी, ठीक है,
और जिससे पहले जो उपचुनाव हुए थे उसके अंदर तीसरे नंबर पर बसपा का प्रत्याशी रहा था, तो कहाँ गए वो 65,000? उपचुनाव की आपको मैं अगर बोलूं कि 65,000 जो वोट आप बोल रहे हैं वो ओवरऑल बोला जाता है, उसमें कुछ परसेंटेज वोट पड़ता है, जैसे कि 60% वोट पड़ता है। अगर 60% वोट अगर पड़ा था तो मुझे लगता है कि बसपा को पूरा पूरा वोट मिला था, जैसा कि मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर 65,000 वोट है तो 65,000 पूरा वोट तो नहीं पड़ता है, वोट ऑफ परसेंटेज में ही पड़ता है। और ऐसा अगर होता, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के प्रति जितने भी जाट समाज के लोग हैं वो तत्पर खड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, तुरंत वोट करेंगे, सब कुछ होगा उनके लिए। चलिए चलिए इनसे भी जानते हैं भाई क्या मुद्दे रहेंगे। आप युवा हो देश के और ये देश युवाओं का देश माना जाता है, और इस बार क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप वोट करने वाले? वोट तो अब वोट की बात आ रही है तो मैं BSP की वोट दूंगा जी, और कुछ नहीं। क्या मुद्दे रहेंगे? कोई मुद्दा नहीं है, मतदाता तो वो बहुत चीज़ है जी। अगर बैंजी सरकार आती है तो जाहिर सी बात है तो नौकरी मिलेगी बैंजी की सरकार में। बैंजी की सरकार नहीं, हम बैंजी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं जी, जो कायदा कानून होते हैं जी, शिक्षित लोग होते हैं वो आगे आएंगे। कानून व्यवस्था अच्छी होती है, कानून व्यवस्था तो अच्छी होती है, योगी सरकार में भी कानून व्यवस्था अच्छी है। कानून क्यों नहीं अच्छी है, सब अच्छी है, लेकिन ऐसा है इसमें भी क्या कहते हैं BJP सरकार में कुछ क्या कहते हैं नौकरियां उसमें आ गई हैं, ठेकेदारी में, बेरोजगारी, प्राइवेटाइजेशन, वो तो खैर है, लेकिन मेरा वोट BSP को ही जाएगा। वोट BSP को जाएगा। हाँ भैया, किसको वोट करने वाले? वोट मुझे माँ के देंगे। नहीं छोड़ो तुम, हम भाई साहब वोट अब कितने कौए देंगे नहीं, कौए नहीं दोगे? हाँ क्यों नहीं दोगे? हम ग्राम सभा अनवारा से रहने वाले हैं, हमारे गाँव का रोड बहुत खराब है। अच्छा, 40-50 साल से रोड वोट का बैसका चल रहा है, इस बार हम किसी को वोट ही नहीं डालेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू। किस जाति के? खटीक। अच्छा, तो वोट नहीं करने वाले? नहीं करने वाले, कोई समाज नहीं, कोई समाज नहीं, खटीक ना बघेल, कोई समाज वोट नहीं करेगी। रोड तुम्हारा काफी वर्षों से पड़ा हुआ है, वो सही नहीं रोड हमारा, सही। हमें रात में रात हलवेगिरी के काम करके जाते हैं, रात में गड्ढे में घुस जाते हैं। अच्छा, इस वजह से हम, हमारे गांव में चुनाव बहिष्कार चल रहा है। चुनाव बहिष्कार? यस भैया, पूरा फुल बहिष्कार चल रहा है हमारे यहाँ, फुल बहिष्कार चल रहा है, वोट नहीं करने वाले मुद्दे बैठे हैं। जैसे आदमी कहता, ये जो विकास वाली बात आती है ना कि विकास नहीं हुआ है, उस चीज के लिए ये इनका, मैं भी समर्थन करता हूँ कि इनके लिए विकास नहीं हुआ है। यहाँ से मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ से आप 5 साल से देखिए, माननीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त माननीय SP सिंह बघेल जी को यहाँ से विधायक चुना यहाँ की जनता ने, उनको सोचा कि उन्होंने बहुत विकास करेंगे, पर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए ये विधानसभा छोड़ी और आगरा से सांसद। उन्होंने जो विकास किया, उन्होंने बस अपना विकास किया। उपचुनाव में, उपचुनाव में, उपचुनाव में उन्होंने प्रेमपाल धनगढ़ जी को जिताया। इस बार कौन जीतने वाला है टूंडला विधानसभा? टूंडला विधानसभा से मेरी राय जो है, मैं एक इंडिविजुअल राय दे सकता हूं क्योंकि मैं अपने आप में मतदाता हूं, पर मैं बल्क में राय नहीं दे सकता हूं। मेरा जो वोट रहेगा वो बहुजन समाज पार्टी के लिए रहेगा। तो वोट बेकार, वोट बेकार तो नहीं जा रहा? हमारा वोट बिल्कुल बेकार नहीं जा रहा, पूर्ण जीत रहे ही हो रहे हैं। बसपा जीत रही है, बसपा बिल्कुल जीत रही है यहाँ से, 101% जीत। बसपा गढ़ माना जाता है टूंडला विधानसभा? देखिए 101% बसपा जीत रही है यहाँ से, जातीय समीकरण से देख लीजिए, विकास के नाम पे देख लीजिए, बहन जी के किए हुए वादे को देख लीजिए, बसपा यहाँ से जीतने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ के युवाओं से मेरी बात हुई और बताया कि जिस तरीके से यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्या है वो बड़ी समस्या है, विकास के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे और बेरोजगारी। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो BJP सरकार यहाँ पर जो है 1996 में जीतने के बाद 2017 में जीती, फिर 2020 में जीती, लेकिन उसके बावजूद भी इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। और यहाँ की जनता में एक खास बात यह है कि हर 5 साल के बाद विधायक को बदलती है। अब देखने का विषय यह है, क्या इस बार भी विधायक बदला जाएगा या फिर BJP का ही प्रत्याशी इस बार विधायक बनेगा। लाइव एक्सप्रेस के लिए हैदर अली की रिपोर्ट, टूला।